जो हमारा यूथ कांग्रेस का जो इलेक्शन रिसेंट हुआ था उसका आज ओथ सेरेमनी रखो ही। आज हमारे अध्यक्ष प्रेसिडेंट रक्षा रामाया का भी ओथ सेरेमनी है और जितने भी जो भी इलेक्शंस में जीत को ही स्टेट जनरल सेक्रेटरी सरंदे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सरंदे आज पूरी कमेटी का आज ओथ सेरेमनी है। आज के दिन हमारे एक्स चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया जी भी आ गई और हमारे प्रेजेंट KPCC के अध्यक्ष DK शिवकुमार साहब भी आ गई। हमारे ऑल ओवर इंडिया इंचार्ज यूथ के कृष्णा लवर साहब भी आ गई और हमारे ऑल ओवर इंडिया प्रेसिडेंट BV श्रीनिवास जी भी आ गई और बहुत से लीडर्स बड़े बड़े लीडर्स आज यहाँ पर मौजूद हैं। आज ओथ सेरेमनी चल रहा है ये हाईकमांड का तरफ से और हमारे स्टेट की कमेटी की तरफ से ये जो डिसीजन लिया गया है उनके तरफ से है और आने वाले दिनों में उनको भी मौका मिलता है। हमारे मोहम्मद नलपाड़ जी को भी उनको भी मौका मिलता है को बात कमिटमेंट हो को है उनको भी मौका देती इनको मौका देती और पूरी यूथ में आज बहुत जोश है काम करने क्यों अभी जैसे आप लोग देखे स्टेट गवर्नमेंट भी इतना काम नहीं कर रहा जितना हमारी कांग्रेस की पार्टी ये कोरोना के वक्त पर काम कर को है। कितने रेशन किट्स तुम्हें हर जगह देखे रहेंगे खाली हमारे जयनगर और BTM के क्षेत्र में च वो एक एक लाख रेशन किट्स देखो ही हमारे रामलिंग रेड्डी साहब हमारे सौम्या रेड्डी मैडम सब ऐसा ऑल ओवर कर्नाटका में कितने लाख रेशन किट्स डिस्ट्रीब्यूट हो को होंगी और ऑक्सीजन सिलेंडर्स देखो ही और ख़ुद हमें भी रेशन किट्स डिस्ट्रीब्यूट करें 6000 ये सेकेंड वेव में करें फर्स्ट वेव में 8000 करें आप लोगों को भी मालूम है वो। और सिर्फ रेशन किट्स नहीं ऑक्सीजन के वक्त पर सब आगे बढ़ को स्टेट गवर्नमेंट से भी ज़्यादा कई गुना ज़्यादा हमारे कांग्रेस पार्टी आ गई उसमें यूथ कांग्रेस का बहुत बड़ा एक हाथ है उसके अंदर के वास्ते भी प्लानिंग्स हो को ही हमने इंस्ट्रक्शन आ को ही KPCC में हमें सब मिल को 7 से 9 बजे के बीच में फ्लैग हॉस्ट कर रही और एक हमें एक पॉइंट देखो ही एक वेन्यू देखो ही वहाँ से हम लोग वॉकिंग में 1 किलोमीटर का फ्लैग हम लोग सब ले को कैरी कर को हमारे KPCC तक आने का इंचार्ज हमारा यूथ कांग्रेस को दिया गया है। इंशाल्लाह सब मिल को ये फंक्शन सक्सेस करना को हमारा यूथ कांग्रेस वाले सोच को ही इंशाल्लाह करते ही ज़रूर।